समस्तीपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश सरकार की शराबबंदी की पुल खुलती दिखाई दे रही है। दरअसल ये वीडियो समस्तीपुर शहर के बहादुरपुर की है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ये व्यक्ति खुद को बीजेपी के जिला मंत्री का हवाला देकर पुलिस से शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वे खुद शराब के नशे में धुत है। फिलहाल पुलिस ने शराब के नशे में धुत उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर से पप्पू जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। पप्पू, एक वीडियो जो कब की है? हेलो, सुन पा रहे हैं पप्पू, ये वीडियो जो है कब की है? ये वीडियो कल की है, कल शाम की। पप्पू, जो है ये शराबबंदी होने के बाद, बिहार में पुलिस शराबबंदी होने के बाद भी लगातार इस तरह से जो खबरें आ रही है, क्या पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई की है? जी, पुलिस प्रशासन इसको गिरफ्तार करके और जेल भेज दी है। कल की ही घटना, और कल शाम को जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। ज्यादा जानकारी देने के लिए पप्पू धन्यवाद। तो आपको बता दें, पूरा जो मामला है समस्तीपुर का है, जहाँ पे शराब पी करके ड्रामा, रास्ते पर ड्रामा करते हुए एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।